देखे जिनके यार जेई मेंस में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मेरे बैच के हैं 250 प्लस लेके बैठे हैं, 270 प्लस लेके बैठे हैं, आज के दिन लाइफ में कुछ ऐसा मस्त नहीं उखाड़ रहे। मैंने ऐसे लोग देखे जिनका यार कहीं पर एडमिशन नहीं हुआ, NIT, IIT, IIT बिट्स पिलानी, और आज के दिन ऐसे हैं 25-26 साल के और 40-50 लाख पर मंथ छापते हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो आपके नंबर कितने आए, ठीक है, वो आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसाइड करता है कि आपको 30,000 की जॉब मिलती है, 70 की मिलती है, लाख रुपए की मिलती है। पर अगर आपको टॉप के 1% में आना है, वो एकेडमिक से डिसाइड नहीं होता, वो आपके अंदर कितना जिगर है उस चीज से डिसाइड होता है, कितना आप करेज ले सकते हो, कितना आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो, जो आप सोच रहे हो वो चीज सही है और उस चीज को एग्जीक्यूट कर, फेल हो जाएंगे। होता क्या है, लोग कहते हैं कि देखो यार लाइफ में आपके सिर्फ 2-3 लोग हैं जो कि आपके भला चाहते हैं, वो है आपके पेरेंट्स और आप खुद, काम खत्म। इसके अलावा आपके जितने भी पड़ोसी हैं जो सोचते हैं कि यार आप लाइफ में क्या फर्क नहीं पड़ता उन्हें, बिल्कुल भी, आप अच्छा करोगे ज्यादा बुरा लगेगा उन्हें, आप खराब करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें, बस बोलने आ जाते हैं वो। तो उनकी वजह से अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें। यार एक लाइफ होती है, सब पैदा हुए हैं, पर एक फैक्ट है आपको भी पता है कि एक दिन मरेंगे सबके सब। तो ये जो बीच का हमारा फेज है जिसके अंदर हम जिंदा रहते हैं, तो उसके बीच में सिर्फ फ्लोट रहना है, सिर्फ एग्जिस्ट करना है या जीना है, जिंदगी को लिव करना है, एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं, वही तो मजा दिलाते हैं, वही तो लाइफ है, वही तो आपकी किताब को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आपका फोकस ये होना चाहिए कि यार मैं ऐसा क्या काम करूं कि दुनिया को मैं कुछ वापस गिव बैक कर सकूं। और ये मेरे वर्ड्स मार्क कर लो, अगर आप गिव बैक करोगे आप कभी भी कम नहीं रहोगे, चाहे किसी भी टर्म में, चाहे आपकी लेगेसी हो, चाहे फाइनेंशियल टर्म्स में हम बात करें, कभी भी आप कम नहीं होंगे। पर आपको ये सोचना है मैं वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता हूं, मेरे आने से इस धरती पे क्या चीज बेटर हुई, उस चीज को आपको फोकस करना है। यहीं पे हमें अब सबको अपनी डायरेक्शन बदलनी होगी, जो लोग बदलेंगे वो गेम जीतेंगे, ये फैक्ट है। काफी लोग बोलते हैं भैया हम फेल हो गए तो हो गए तो हो गए, तो क्या तुम ट्राई नहीं मारोगे? सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है, सबसे बड़ा दुख क्या होता है, फेलियर नहीं होता, गिल्ट होता है कि काश मैंने ट्राई कर लिया होता, काश मैंने मेहनत कर ली होती, शायद दुनिया आज अलग होती। अरे यार फेल होके तो आदमी कंठस्थ होता है, सॉलिड बनता है। आपको ये बताना चाहता हूं, आप चाहे अपने कमरे के अंदर बैठे हो गए, आपको लग रहा होगा यार मैं निक्कर में बैठा एक नॉर्मल सोसाइटी में रहता हूं, मैं क्या कुछ बड़ा फालतू में उखाड़ सकते हो, ये फैक्ट है। तुम्हें सोचना है कि मैं उखाड़ सकता हूं, तुम उखाड़ोगे। वो 10 करोड़ जो अमाउंट था ना यार, वो 10 करोड़ जब तुम पूरा का पूरा अपने सपने पे एग्जॉस्ट कर सको। छोटा सा किस्सा सुनाता हूं यार, थोड़े दिन पहले मेरी एक टीचर से बात हो रही थी जिन्होंने रैंक 1 निकाल रखा है नीट के अंदर। मैंने कहा सर कांग्रेचुलेशंस वेरी गुड। फिर उन्होंने कहा यार लास्ट ईयर हम जब जेईई का पढ़ा रहे थे तब हमने टॉप 10 में भी ये 2-3 बच्चे निकाले थे। मैंने कहा सर कांग्रेचुलेशंस वेरी गुड। मैंने उनसे बस एक सवाल पूछा, सर ये जो आपने बच्चे निकाले तो IIT बॉम्बे जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा सर आप बस ये बताओ क्या कभी भी लाइफ में ये आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे? वो बोले नहीं। मैंने कहा बस मैं यही चीज बच्चों को बताना चाहता हूँ, अनटिल अनलेस वो बच्चा अपना एक स्टार्टअप खोल ले, कुछ बूम निकाल के ले जाए, वो टीचर से ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा होगा। वो बड़े बड़े ऑफलाइन के इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि हम अपना कॉर्पोरेट छोड़ के यहाँ पे पढ़ाने क्यों आए। कोई टीचर कॉलेज से ही पढ़ा रहा है या फिर सीधा कॉलेज के बाद ही जॉब पहला एज अ टीचर लिया, वो ठीक है, पर कुछ 4-5 साल बाद घूम के क्यों आते हैं, सरकारी क्यों नहीं कर लेते? ये चीज़ आपको पकड़नी पड़ेगी, आपको मार्केट को एक दूसरी नज़र से सोचना होगा।